अब बड़ी खबर दिल्ली से आपकी स्क्रीन पर, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन। एनआईए के तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य पुलिस बलों के डीजीपी शामिल होंगे, केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी हैं, केंद्रीय एजेंसियों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तमाम राज्यों के पुलिस बलों के जो डीजीपी हैं वो शामिल होंगे, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी वो इसका हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे। और वहीं आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आज एनआईए द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे देश के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के पीछे मोदी जी के विजन को चित्रित करेंगे। एनआईए के सम्मेलन का उद्घाटन होना उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, मोदी सरकार हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आज एनआईए द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और हमारे देश के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए जाने के पीछे मोदी जी के विजन को चित्रित करेंगे। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। शंकर, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन तीसरा और आज 11 बजे इसका उद्घाटन, विस्तार से जानकारी दें जरा। देश के अंदर में क्या किस तरह की सुरक्षा हालात होने चाहिए, किस तरह से टेररिज्म, गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इन तमाम मसलों पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। और जब आज इस बैठक की बात करें तो ये बैठक जो है दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां पर विस्तार से इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उन तमाम गैंगस्टर्स के खिलाफ में काम करना है। कई राज्यों में फैले जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है या आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में अगर किसी भी राज्य में कोई एक छोटा सा इनपुट मिलता है तो कैसे उस इनपुट को बड़ा करना है और कैसे उस इनपुट को केंद्रीय जांच एजेंसी तक पहुंचाना है, जिससे कि कम से कम समय में उस इनपुट को साझा किया जा सके, जिससे कि उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जा सके। तो इन तमाम मसलों पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस बैठक में देश की खुफिया एजेंसी आईबी, रॉ, इसके साथ साथ जो तमाम राज्यों में जो एटीएस के प्रमुख हैं उनको भी आज इस बैठक में बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ में स्टेट पुलिसिंग से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और इन तमाम मसलों पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और इस पूरे बैठक की जो दो दिवसीय बैठक है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए ऐसे टेरर मॉड्यूल पर काम करने की विशेषज्ञ एजेंसी मानी जाती है, चाहे एंटी टेरर हो या एंटी गैंगस्टर हो, तो इन तमाम मसलों पर कार्रवाई करने के लिए जो एक कहा जा सकता है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार, झारखंड समेत कई अन्य जो दूसरे राज्य हैं जहां पर वहां के जो एटीएस प्रमुख हैं वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो अधिकारी जो हैं अब थोड़ी देर में पहुंचना शुरू कर देंगे और एनआईए मुख्यालय में जो बैठक होनी है कई मायनों में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और खासतौर पर खालिस्तानी नेटवर्क की अगर बात करें जो देश के अंदर और देश के बाहर रह करके, यानी कि दूसरे देशों में रह करके जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो उसके खिलाफ किस तरह से ठोस तरीके से कार्रवाई करनी है, उन तमाम मसलों पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरह से एक आतंकवाद विरोध, आतंकवाद के खिलाफ जो एक ठोस नीति अपनाई जा रही है, एक जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई जा रही है, उन तमाम मसलों पर आज चर्चा की जाएगी और कहा जाएगा इन तमाम जी क्या ये माना जाए। हालांकि शंकर, आप तो एनआईए और तमाम जो एजेंसियां हैं बड़े करीब से उन्हें देख चुके हैं, लंबा तजुर्बा आपका है, क्या ये अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, अब क्या रणनीति में, टैक्टिक में कोई तब्दीली भी नजर आ सकती है आज के सम्मेलन के बाद, या ऐसा कोई फैसला इसमें हो सकता है शंकर?
निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो देखा जाए तो विदेशों से भी कई ऐसे गैंगस्टर्स और टेररिस्ट को लाया गया है, यानी उसका प्रत्यर्पण कराया गया है। तो ये जो एक उदाहरण है, इस बात का प्रतीक है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं या केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात करें तो उनका एक जो मनोबल है, उनका जो एक जो इच्छा शक्ति है, उसी का आधार है कि पिछले 7-8 सालों के दौरान में कई ऐसे लोगों को लाया गया है जो पहले लाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि विदेश में जब जाकर कोई आतंकी छुप जाता था या वहां कोई गैंगस्टर रहता था तो उसको लाना बहुत टेढ़ी खीर मानी जाती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक वो मसला भी होगा जो इस बैठक में आज चर्चा किया जाएगा। दूसरा, आज उन मसलों पर बातचीत होगी कि अगर कोई किसी भी राज्य में अगर किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कोई इनपुट मिलता है तो कैसे उस मामले पर केंद्र की मदद चाहिए, चाहे अगर बात करें जांच एजेंसी एनआईए की बात करें या उस इनपुट को, जैसे बहुत सारे राज्यों में अक्सर आईबी का इनपुट आता है, चाहे स्टेट खुफिया एजेंसी की बात करें या केंद्र की बात करें, तो उस इनपुट पर कैसे काम करना है जिससे कि कोई भी राज्य में कोई भी बड़ा आतंकी वारदात ना हो सके, या अगर कोई ऐसा इनपुट मिलता है तो कैसे उस मामले पर सेंट्रल की इन्वॉल्वमेंट हो, इन तमाम मसलों पर विचार। तो बेहद ये जरूरी होगा, आज ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आपका शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। और मैन इन ब्लूज तैयार हैं, वहीं सबसे बड़ी दावेदार कौन है इससे लेकर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। आज वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, या कहें सबसे बड़ा ताज, जो इसे हासिल करेगा वही करेगा गेंद और बल्ले के खेल पर राज। आज 5 अक्टूबर वो तारीख है जब आगाज हो जाएगा क्रिकेट के महाकुंभ का। दावेदार है 10, दसों है तैयार, बस कुछ समय का इंतजार। और किसका किस पर चलेगा बस, सब कुछ मिलेगा यहां। बताएंगे कौन किस पर भारी है, किसकी कितनी तैयारी है, विश्व कप के कौन है प्रबल दावेदार। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड कप के दावेदार। अब हो गया अभ्यास, आगाज की आई बारी, वर्ल्ड कप पर किसकी दावेदारी, हिटमैन की सेना दिखाएगी दम, 12 साल बाद फिर जीतेंगे हम। जीतेंगे और 19 नवंबर को चमचमाती ट्रॉफी भी उठाएंगे। 12 साल बाद हम फिर से दम दिखाएंगे, हम जश्न मनाएंगे। मतलब ये जान लीजिए कि भारतीय टीम 19 नवंबर को वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाने की सबसे बड़ी दावेदार हो सकती है। अब आप कहेंगे भला ये कैसे, तो ये टीम की परफॉर्मेंस कह रही है। वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का दावा कितना मजबूत है ये बताना तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनका जिक्र न हो, जो कह रही है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की दावेदार है। नजर भारतीय टीम की मजबूत पक्ष पर। भारतीय सलामी जोड़ी का कमाल, रोहित गिल मचाएंगे धमाल, नंबर 3 पर गरजेगा कोहली का बल्ला, ऑलराउंडर्स का होगा हो हल्ला, बुमराह होंगे असरदार, गेंदबाज कहेंगे खबरदार। विश्व कप से पहले भारतीय टीम को हर भारतीय कह रहा है इस बार ट्रॉफी हमारी है, और हो भी क्यों ना, जब भारतीय खिलाड़ी पूरे रंग में हैं। तो शुरुआत सलामी बल्लेबाजों से। भारत की ओपनिंग को लेकर पहले काफी अगर मगर की स्थिति थी। भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज के तौर पर सभी को परख रही है। रोहित, ईशान, रोहित गिल, ईशान और गिल मकड़ जाल से बाहर निकली और फिर अब पिक्चर क्लियर हो गई है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही भारत के फर्स्ट चॉइस ओपनर्स होंगे। जितनी अच्छी बात यह है, उतना ही अच्छा है इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म में होना। दोनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा ने 251 मैचेस में 10,112 रन बनाए, वो भी 90 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। शुभमन गिल ने 35 मैचों में 1,917 रन बनाए 102 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। ये आंकड़े कह रहे हैं कि दोनों ओपनर्स किसी टीम के गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी हैं। जब विपक्षी खेमे के गेंदबाज इनसे बच जाएंगे तो फिर 3 नंबर पर किंग कोहली आएंगे। किंग कोहली के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। विराट कोहली
मैच 281, रन 13,083, स्ट्राइक रेट 93 से ऊपर का। चौथे नंबर पर केएल राहुल और पांचवें नंबर पर ईशान किशन और उसके बाद अय्यर की तूफानी पारी। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दम दिखाया था, तो वहीं ईशान किशन एशिया कप में बता चुके हैं कि वो क्यों हैं चयनकर्ताओं की पहली पसंद। टीम के पास तीन तीन ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा जो बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं, आर अश्विन जो 2011 वर्ल्ड कप में अपना दम दिखा चुके हैं, तो वहीं शार्दुल ठाकुर भी पूरी तरह से तैयार हैं और हार्दिक का तो कोई तोड़ है ही नहीं। मतलब साफ है, भारत के पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी करने वाले धाकड़ खिलाड़ी हैं, तो वहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी एशिया कप से लगातार कहर बरपा रही है। क्या यॉर्कर के बादशाह बुमराह, क्या स्विंग के मास्टर शमी, क्या रफ्तार वाले सिराज और क्या गुगली वाले कुलदीप, कैरम बॉल से लेकर गिल्लियां बिखेरने तक माहिर हैं आर अश्विन, तो वहीं जडेजा, मतलब साफ है सभी फॉर्म में है, विरोधी सावधान हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आज आगाज है आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट का, विश्व विजेता बनने की जंग का। इस जंग में सबसे पहले आमने सामने होंगे डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, पूरे 4 साल 2 महीने और करीब 3 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप की वापसी हो चुकी है। भारत में 12 साल बाद वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है और एक बार फिर फैंस को उम्मीद है कि अपनी जमीन पर टीम इंडिया का जो खताबी सूखा है वो खत्म होगा। आज के मैच की डिटेल भी हम आपको बता रहे हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से इसका आगाज होना है। तो वर्ल्ड कप से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।